हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल कंपनी के ऊपर, जिसमें एक वैल्यू स्टॉक के हिसाब से हमने इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और जो हमारी वैल्यू सीरीज चल रही है वो ज़रूर आप चेक कीजिए। ऑलरेडी हमारा डीवीज के ऊपर वीडियो हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो रोल है इस पूरे एनालिसिस में वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, उसके की मोड्स और उसके की रिस्क भारतीय एयरटेल के, वो समझाऊंगा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें परिमल आपको वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से वैल्यू है या नहीं है स्टॉक्स में, क्या है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से, उसके हिसाब से बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय एयरटेल एनालिसिस। पहले हम समझते हैं बिजनेस को, राइट। तो भारतीय एयरटेल का बिजनेस जो है मेजरली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो मोबाइल बिजनेस जो है, ठीक है, आपको पता ही है एयरटेल का मोबाइल सिम यूज़ करते हैं, उस कॉलिंग करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, राइट। तो वो सब आता है मोबाइल बिजनेस। अच्छा, मोबाइल बिजनेस में भी मेजरली बिग दो पार्ट है। एक तो इंडिया बिजनेस भी है, क्योंकि अफ्रीका में भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है जो मोबाइल बिजनेस है ना, अफ्रीका में भी काफ़ी बड़ा है, राइट। वहाँ पे भी दे हैव फ्यू जोग्राफीज जहाँ पर मोबाइल सर्विसेज एज एयरटेल गिव्स, उसमें भी उनका 100% स्टेक नहीं है, 55% के आसपास का स्टेक है, लेकिन काफ़ी बड़ा बिजनेस है वो भी। तो वो दो बिजनेसेस मेजर है। फिर उनका होम सर्विस बिजनेस है, तो बेसिकली विच इज़ अपना जो इंटरनेट आता है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो होती हैं हमारी, या फिर फिक्स लाइन टेलीफोन तो अब आजकल को यूज़ नहीं करता, बट मेजरली ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो घर पे हम वाईफाई यूज़ करते हैं, वो जो एयरटेल का है वो आता है होम सर्विसेज में। फिर डिजिटल टीवी सर्विस, डिश टीवी, ठीक है, तो वो जो अपना एयरटेल का डिश टीवी है वो उसमें आता है। एंड फोर्थ इज़ एयरटेल बिजनेस, जो B2B बिजनेस है, मतलब जो कंपनीज को एयरटेल अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से, तो वो आता है बिजनेस वर्टिकल में। इस सबके अलावा एयरटेल के पास एक एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, जैसे पेटीएम का पेमेंट बैंक है, ऐसे एयरटेल का पेमेंट बैंक है। इट इज़ ऑल्सो इज रिसेंटली सक्सेसफुल स्टोरी विच इज़ कमिंग अप फॉर देम, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक उनका रोल चल रहा है। उसके अलावा देन दे हैव सम स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस एज वेल, जो जिस पे वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जैसे क्लाउड बिजनेस है एयरटेल का, तो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, डेटा सेंटर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत बड़े बिजनेस हैं ग्लोबल मार्केट्स में ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस, राइट, टू द नेटवर्क और 5G और जो भी है, राइट, तो वो चीज़ें भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और उसमें भी IoT पर्सपेक्टिव से भी एयरटेल हैज़ लॉट ऑफ वर्क विच दे आर गोइंग टू डू, और मतलब कर रहे हैं। और एयरटेल सिक्योर करके भी बिजनेस है, बेसिकली फ्रॉम कंप्लायंस पर्सपेक्टिव या मतलब सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की वजह से, प्राइवेसी लॉस की वजह से, तो वहाँ पर भी उनका काम दे आर वर्किंग। तो ये छोटे छोटे एंटरप्राइज रिलेटेड और भी इनके बिजनेसेस हैं विच आर वेरी स्मॉल करंटली बट हैव अ गुड स्केल अप इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये सारा बिजनेस बेसिकली सेटअप होता है। इन्होंने तो वैसे विंक म्यूजिक भी किया हुआ है, इनके पास एयरटेल एक्सट्रीम करके, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स टाइप की सर्विसेज भी है, OTT प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, जो काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है फॉर वेरियस एयरटेल कस्टमर्स। तो इस टाइप की चीज़ें भी दे आर प्लानिंग, दे आर वर्किंग एंड दे आर डूइंग एज वेल, ठीक है। तो ये इस तरह का इनका पूरा लैंडस्केप है करंटली। अब आप समझना क्या है कि इसमें की मोड्स क्या है। आज अगर हम बिजनेस को स्टडी करें, समझें, तो मोड्स मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, राइट, कि जो बीट करनी बहुत मुश्किल है और जो बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, और जिसमें सबसे बड़ा मोड जो है मेरे को लगता है वो है डुओपोली, राइट। दे आर लाइक अ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं वो, इंटरनेट दे रहे हैं हमें, हमारे फ़ोन्स पे, हमारे घर में वाईफाई दे रहे हैं, हमारे फ़ोन्स में 5G 4G सर्विसेज दे रहे हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं वो, और उसमें डुओपोली हो गई है ऑलमोस्ट। जिस तरह से वोडाफोन का मार्केट शेयर गिर रहा है, जिस तरह से वोडाफोन के प्रमोटर्स का मतलब अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो डजंट सीम कि वोडाफोन इज टू सीरियस, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, कि ऑन फॉर इंडियन मार्केट एंड दे आर नॉट सीइंग बिग ग्रोथ। तो क्लियरली दो बड़ी कंपनीज रह गई हैं, जियो रिलायंस का और एयरटेल। तो एक डुओपोली बिजनेस, ठीक है, दैट टू, और बाकी BSNL वगैरह है उनको इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डुओपोली बिजनेस दैट टू इन दिस मतलब सच ए फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, राइट, तो वो सबसे बड़ा मोड है, विच इज आई थिंक वेरी बिग मोड फॉर अ कंपनी लाइक एयरटेल, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें, राइट, अभी एयरटेल का सब्सक्राइबर वाइज ऑलमोस्ट 32% शेयर है, रिलायंस का 37% है, वोडाफोन का 21% है, इट्स फॉलिंग फास्ट।
एंड BSNL MTNL वगैरह उनका भी अभी 10% शेयर है, ठीक है। और यही 2013 में देखते हैं तो एयरटेल का 25% शेयर था जो उन्होंने 32 कर लिया है, ठीक है। ऑब्वियसली रिलायंस जो है वो जीरो था उस टाइम और उन्होंने 37 कर लिया, तो रिलायंस इज ऑल्सो ऑब्वियसली डूइंग दैट, बट दीज टू आर द मेजर कंपनीज एंड दैट इज अ बिग मोट, डुओपोली बिजनेस है एंड वेरी वेरी टफ फॉर एनीवन टू बेसिकली टॉक अबाउट, मतलब इंटर एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरह का इनका ओवरऑल बिजनेस है। और अगर हम सेकंड बात करें तो दूसरा मेरे को सबसे बड़ा जो मोट लगता है वो है काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन। नाउ दिस इज इट्स अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो अब जैसे हमने डिस्कस किया, राइट, इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम एक तो इंडिया ज्योग्राफी और अफ्रीका ज्योग्राफी, तो एक तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है कि भाई इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस। मतलब अगर मैंने इनका रेवेन्यू देखा तो 75,000 करोड़ रुपीज़ मोबाइल सर्विस जो इंडिया से आया और 42,000 करोड़ रुपीज़ अफ्रीका से आया, ठीक है। तो अच्छा खासा बिजनेस जो है अफ्रीका से आता है, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है। फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि इनके एयरटेल बिजनेस सर्विसेज भी हैं, राइट, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, ऑलमोस्ट 13% का रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। होम सर्विसेज जो इंटरनेट हमारे घर पे लग रहा है ये बहुत बढ़ रहा है, वाईफाई अभी सबको ही चाहिए, तो वहाँ से 3% रेवेन्यू आता है। और डिश टीवी तो वो मेरे ख्याल से एक डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, बट वहाँ से भी 2% रेवेन्यू आता है। एंड बाकी भी और जो सर्विसेज हैं इनकी, जैसे पेमेंट बैंक हो गया और जैसे मैंने सब बताया, तो उसमें से अभी तो बहुत छोटा सा रेवेन्यू आता है। बट डाइवर्सिफिकेशन, तो ऐसा नहीं है कि सब एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है, राइट, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं और सब में अच्छा खासा स्कोप है, एक डिश टीवी को छोड़ के जो मुझे लगता है, बाकी सब में एक हाई ग्रोथ स्कोप है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है और हाई ग्रोथ भी है उन सब सेगमेंट्स में, तो इसीलिए ये सेकंड मोट लगता है मुझे, ठीक है। और अगर मैंने कुछ चीज़ें क्या करी, मैंने AT&T का भी और Verizon, ये दो बड़ी कंपनी है US में, तो उनका भी समझा, तो वहाँ पर एयरटेल बिजनेस, जैसे एयरटेल बिजनेस वहाँ पर बिजनेस सेगमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 22-25% मतलब रेवेन्यू आता है, ठीक है। और इंडिया में वो अभी 10-12% है एयरटेल का, तो मुझे लगता है कि ये उस लेवल पे जा सकता है और शायद उससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल सर्विसेज काफ़ी महंगी है इंडिया से, राइट, डेटा जो है या फिर फोन्स जो है वो काफ़ी महंगे हैं, चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए रेवेन्यू वाइज वो इतना ज़्यादा होने के बाद भी फिर भी उनका 20-25% रेवेन्यू बिजनेस से आता है, मतलब उनके एंटरप्राइज कस्टमर से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एयरटेल का जो बिजनेस है या एंटरप्राइज रेवेन्यू है वो एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है हमें लग सकता है, जो आगे कर सकता है। थर्ड जो मोट है वो मुझे लगता है कि दे आर फोकस ऑन इवन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आपको पता है उनकी एक इन्वेस्टमेंट है वन वेब में, एलॉन मस्क एक स्टारलिंक कंपनी ओन करते हैं जिन्होंने पूरा सेटेलाइट का जाल बिछाया हुआ और सेटेलाइट इंटरनेट दे रहे हैं वो। यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर में ये काफ़ी बात हुई इस बारे में, क्योंकि यूक्रेन को इंटरनेट जो है मेजरली एलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विसेज से मिल रहा है इस टाइम पे ड्यूरिंग द वॉर टाइम। तो इसी टाइप की सर्विस एक एयरटेल जो है उनका भी स्टेक है एक कंपनी कॉल्ड वन वेब में। इसरो उनके काफ़ी सारी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करता रहता है रेगुलरली और उसकी सर्विसेज जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है इंडिया एंड ग्लोब में, ठीक है। उसमें उनका 45% स्टेक है। तो वो एक फ्यूचर इंटरनेट की बात हो रही है कि फ्यूचर में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट होगा, ये सब टावर्स लग रहे हैं ना जो ये 5G वगैरह के, इसकी शायद ज़रूरत नहीं होगी, मतलब शायद हमारे वाईफाई की घर में ज़रूरत नहीं होगी, हर जगह वाईफाई होगा, इंटरनेट जो होगा वो सैटेलाइट के थ्रू होगा। तो दैट्स व्हाट एलॉन मस्क हैज़ डन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स समझाने के लिए, बट दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक फ्रॉम इंटरनेट पर्सपेक्टिव, दैट इज़ अ मेन बिजनेस, राइट। तो वो चीज़ भी एयरटेल जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और उनका जी मतलब मुझे लगता है कि एक्विजिशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इवन अमेजॉन के जो एक CEO थे जेफ बेजोस, ही इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका भी प्रोजेक्ट क्विपर करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें दे आर प्लानिंग टू लॉन्च, ही इज़ प्लानिंग टू लॉन्च सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, तो वो भी चीज़ें चल रही हैं। फोर्थ मुझे जो अगेन मतलब शायद हमारी थोड़ी बात भी हो गई है कि हाई एंट्री बैरियर्स, लाइक इस इंडस्ट्री में एंट्री करना है कितना टफ है, इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल चाहिए आपको, स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस चाहिए, रेगुलेटरी चाहिए, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं, एंड वी हैव सीन, हम AGR वगैरह में सब बात कर चुके हैं, मतलब सब ये डिटेल डिस्कशन हम देख चुके हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो एक तरह का डुओपोली बिजनेस है जो इस तरह का ही रहेगा, राइट। तो ये चार मेरे को लगता है कि की मोड्स हैं एयरटेल के। अब अगर हम रिस्क भी देख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली जो वन वेब की बताए, तो ये डिसरप्शन रिस्क तो है, राइट, कि अगर एलॉन मस्क का SpaceX और इस तरह की कंपनीज और वन वेब जो है उसको कम्पीट नहीं कर पाया, और एयरटेल का वैसे भी 45% स्टेक ही है, पूरा उसकी नहीं है, राइट, तो वो उससे कम्पीट नहीं कर पाया और पीपल स्विच फ्रॉम मे बी मतलब मोबाइल इंटरनेट
इन फ्यूचर टू सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट या फिर वाईफाई एट होम टू सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, तो दैट विल बी इम्पैक्टिंग देयर रेवेन्यू. तो ये जो है ना डिसरप्शन रिस्क इस बिजनेस में है, ठीक है. तो वो चीज़ हमें समझनी है कि वो किस लेवल तक होगा, क्या नहीं होगा. इट्स वेरी टफ टू से टुडे, बट वो रिस्क जो है वो है स्टारलिंक स्पेशली जो जिस तरह से चल रहा है. एंड आई कीप ऑन फॉलोइंग एलन मस्क के ट्वीट्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और एज आई सेड कि काफ़ी सारी चीज़ों पे वहाँ पे मतलब लोग जो है काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं उसका, ठीक है. सेकेंड है रेगुलेटरी, ठीक है. तो अभी हमने AGR केसेस वगैरह देखे, तो बेसिकली जो सिस्टम क्या होता है कि ये जो ये वेव्स होती हैं जो इंटरनेट कंपनीज या मतलब टेलीकॉम कंपनीज यूज़ करती हैं, 5G एंड 4G वेव्स वगैरह या 2G वेव्स 3G वेव्स, ये सब जो वेव्स हैं ये हमें गवर्नमेंट से इनको लेनी पड़ती है. उसके लिए इनको स्पेक्ट्रम चार्जेस देने पड़ते हैं और रेगुलरली देने पड़ते हैं. वो 3-5% स्पेक्ट्रम चार्जेस देने पड़ते हैं, लाइसेंस फीस देनी पड़ती है इनको. अपने रेवेन्यू का पार्ट इनको कंसिस्टेंटली एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ये पैसा देना पड़ता है, ठीक है. और स्पेक्ट्रम को बाय करने के लिए तो पता ही है आपको बहुत बड़ा उनको पैसा तब भी देना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव. तो इस तरह की ये उसके बाद भी चार्जेस रहते हैं इनके, तो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, ठीक है. और गवर्नमेंट के साथ इनका कंसिस्टेंटली डिस्कशन चलता रहता है. रेगुलेशन कुछ भी चेंज होते हैं, जैसे एक बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज रेवेन्यू कि वो सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू माना जाएगा या ओवरऑल रेवेन्यू माना जाएगा, उस पर काफ़ी बड़ा इनको इम्पैक्ट हुआ था कॉस्ट वाइज, स्पेशली वोडाफोन को तो बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना रेगुलेटरी चेंजेस, राइट, और डायरेक्टली वर्किंग विद गवर्नमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट. अभी तो 5G है, 6G भी आएगा, 7G भी आएगा, राइट, वो सब चीज़ें भी आती रहेंगी. एंड देन दे हैव ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन लाइसेंसेज एंड स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. एंड सिंस दे आर नॉट ऑलमोस्ट अ डुओपोली एज आई सेड, तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ को हमेशा रेगुलेट करना चाहेगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो वो एक हमेशा रिस्क है, राइट. तो इनके मार्जिन्स पे और इनके प्रॉफिट्स पे वो रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है. दूसरा थर्ड रिस्क जो बहुत बड़ा अगेन है कि हमेशा केपेक्स लगा रहेगा. इस ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें केपेक्स रिक्वायरमेंट शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगी, राइट. 2G से 3G आया, 4G आया, 5G आ गया, राइट. तो 5G पे केपेक्स चल रहा है, उसके बाद अब 5G जब तक केपेक्स खत्म होगा तो फिर शायद 6G आ जाएगा, तो फिर 6G पे केपेक्स स्टार्ट हो जाएगा, राइट. और बाकी सारी जगह पे भी मतलब फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना है तो उस पर ज़बरदस्त केपेक्स है. तो कंसिस्टेंट केपेक्स इस इंडस्ट्री को चाहिए और अपग्रेड कंसिस्टेंटली अपग्रेड टावर्स को अपग्रेड करो, अपने ऑप्टिक्स मतलब फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड करो, तो कंसिस्टेंटली टेक अपग्रेड वो इनको करते रहना पड़ेगा, ठीक है. तो इसीलिए ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्री कैश फ्लोज जो है ना वो हमेशा से एक प्रॉब्लम में रहेंगे क्योंकि इतना केपेक्स है, राइट. अभी मैं देख रहा था केपेक्स की ऑलमोस्ट 30,000+ करोड़ का मतलब केपेक्स इन्होंने लास्ट ईयर का प्लान किया, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिकली कंसिस्टेंटली ये केपेक्स करते हैं और इसकी वजह से इनके फ्री कैश फ्लोज हमेशा से म्यूटेड रहते हैं और इसकी वजह से डेट भी ज़्यादा रहता है इनको, ठीक है. हाँ, डेट इनका कुछ लाइसेंस ये सब लीज वगैरह के ऊपर भी इनका डेट है, कुछ लीज डेट भी है, बट वैसे भी इनका डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली डूइंग केपेक्स, AGR ऑफ चार्जेस देने हैं, ये चार्जेस देने हैं. तो ये बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है हमेशा और प्रॉफिट्स में हमेशा वो प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है. तो दीज वर द मेजर रिस्क एंड मोड्स विच आई वॉन्टेड टू कवर. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. वैल्यूएशन का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है इस चैनल पे, ठीक है, ऑन Airtel विच विल बी डन बाय परिमल, तो वो जरूर चेक कीजिए. हैव अ ग्रेट टाइम द अहेड. अगर लाइक नहीं किया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे. तो हैव अ ग्रेट टाइम है. जय हिंद.